सोलापुर नाम के गांव में गौतम नाम का एक आदमी मोतीचूर के लड्डू बेचा करता था। वो गणेश जी का परम भक्त था। वो अपने ठेले में एक छोटी सी गणेश जी की मूर्ति हमेशा रखा करता था और मोतीचूर के लड्डू सबसे पहले वो गणेश जी को चढ़ाता, उसके बाद ही बेचना शुरू करता। वो लड्डू बेचते हुए हमेशा ही गणेश जी का नाम लिया करता था और जो भी मोतीचूर का लड्डू खरीदने आता था उनसे भी बुलवाता। गौतम के मोतीचूर के लड्डू बड़े ही स्वादिष्ट और टेस्ट में तो लाजवाब थे। वे पूरे सोलापुर में बड़े ही फेमस थे। लड्डू बेचते हुए सुबह से दोपहर हो गई। तभी गौतम का बेटा राहुल वहाँ आता है और वो अपने पिताजी से कहता है, पिताजी माँ ने खाना बनाया है, आप घर जाकर खाना खा कर आइए। बेटा आज मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। पिताजी मैं तो खाना खा के आ गया, पर मम्मी ने अभी तक खाना नहीं खाया, वो आपके लिए इंतजार कर रही है। और आप दुकान की चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगा। अरे बहुत सारे लड्डू बनाने भी पड़ेंगे, तू इतना सारा काम अकेला नहीं कर पाएगा। पिताजी आप ही तो कहते हो गणपति बप्पा हमेशा हमारे साथ रहते हैं, तो बप्पा है ना मेरे साथ, वो मदद कर देंगे, ठीक है ना पिताजी। ये बात सुनकर वो और कुछ नहीं बोलता, फिर खाना खाने के लिए चला जाता है। और यहाँ पर राहुल नाप तोल कर लड्डू दे रहा था। एक घंटे के बाद गौतम अपने ठेले पर वापस आ जाता है। पिताजी मैंने सारे ग्राहकों को नाप कर लड्डू दे दिए हैं और सारे पैसे गल्ले में रख दिए हैं। अब मैं घर जाता हूँ, मुझे थोड़ी सी पढ़ाई करनी है। ठीक है बेटा, और ये लो कुछ पैसे, इन पैसों से खुद के लिए कुछ खरीद लेना। ठीक है पिताजी। एक दिन अचानक से पड़ोसी राघव गौतम के घर भागते हुए आता है और दरवाजा खटखटाने लगता है। खटखटाने की आवाज सुनकर राहुल दरवाजा खोलता है और देखता है कि उनका पड़ोसी राघव उनके दरवाजे के बाहर हांफता हुआ खड़ा था। राघव को हांफता देख राहुल पूछता है, अरे राघव भैया आप इतने हड़बड़ाए हुए क्यों लग रहे हो, क्या बात है? मैं तुम्हें ये बताने आया था कि काम करते समय तुम्हारे पिताजी के हाथ पर गरम तेल गिर गया है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं। तुम दोनों जल्दी चलो। क्या ये कैसे हो गया? माँ इधर आओ, हमें अभी हॉस्पिटल के लिए निकलना पड़ेगा। हे गणपति बापा ये क्या हो गया, बप्पा उनकी रक्षा करना बप्पा। ऐसा कहते हुए जानकी रोने लगती है। फिर तीनों मिलकर अस्पताल चले जाते हैं। अस्पताल में गौतम को डॉक्टर चेक कर रहे थे, इतने में राहुल को देखकर राहुल से कहते हैं, इनके हाथ पर गरम तेल गिरने की वजह से हाथ की स्किन जल गई है और जख्म भी बहुत गहरा है, इन्हें ठीक होने में तकरीबन 1 महीना लग जाएगा, इनका बहुत खास ख्याल रखिएगा। ऐसा कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तभी राहुल अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी ये सब कैसे हो गया? पता नहीं बेटा, काम कर रहा था तो गरम कढ़ाई को कैसे हाथ लग गया और उसमें से सारा तेल मेरे हाथ पर गिर गया, कुछ समझ में ही नहीं आया। पिताजी आप अभी आराम कीजिए, मैं आपके खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। दूसरे दिन डॉक्टर ने गौतम को घर जाने की इजाजत दे दी। अस्पताल का बिल बहुत ज्यादा था तो घर जाकर राहुल ने अपने गुल्लक फोड़ दी और उन पैसों से अस्पताल का बिल भर दिया। और फिर राहुल अपने पिताजी को घर वापस ले जाता है। जानकी मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसे घर बैठे कब तक चलेगा, घर का खर्चा राहुल की पढ़ाई का खर्चा कैसे चलेगा, हमारे जोड़े हुए सारे पैसे तो मेरे इलाज में ही लग गए, अब क्या होगा, मेरा तो सोच सोच कर ही बुरा हाल हो रहा है। हे गणपति बाप्पा मुझे पता है कि आप हमारे साथ सदैव रहते हो, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन आप जो भी करोगे अच्छे के लिए ही करोगे, बप्पा हमारी मदद करो बप्पा। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है, सभी थोड़ा बहुत खाना खाकर दुखी मन से सो जाते हैं। फिर गौतम को सपने में गणेश जी दर्शन देते हैं और कहते हैं, गौतम तुम्हारी भक्ति भाव से मैं अति प्रसन्न हूँ, तुम तो मेरे परम भक्त हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, और हाँ तुमने कोई गलती नहीं की और ना ही ये तुम्हारी सजा है, जीवन की परीक्षा तो हम सबको देनी पड़ती है, पर हाँ उस परीक्षा से तुम डरो मत,
तुम्हारे साथ तो मैं स्वयं खड़ा हूं। मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस तुम मेरे कहे अनुसार चलो। अपने बेटे को बाजार में दुकान लगाने के लिए बोलो और बाकी मैं संभाल लूंगा। ये कहकर गणपति जी अंतर ध्यान हो गए। तभी अचानक से गौतम की नींद खुल गई और वो गणेश जी को प्रणाम करते हुए बोलने लगा, ये क्या, गणपति जी कहाँ गए? क्या मैं सपना देख रहा था? पापा स्वयं मेरे सपने में आए थे? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। आज मुझे यकीन हो गया कि आपकी हम पर असीम कृपा है। जैसे आपकी इच्छा प्रभु, आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। फिर सुबह गौतम अपने बेटे को बुलाकर उसे बाजार में मोतीचूर के लड्डू का ठेला लगाने के लिए बोलता है। ये बात सुनकर राहुल ने अपने पिताजी को अपनी रजामंदी बताई और फिर बिना देर किए ठेला लेकर बाजार की ओर चला जाता है। राहुल के इस बर्ताव को देख गौतम बहुत खुश था। उसे अपने बेटे पर गर्व हो रहा था। ऐसे ही कुछ दिन राहुल रोज सुबह बाजार में ठेला लेकर निकल जाता था। एक दिन वो बाजार में लड्डू का ठेला लगा रहा था कि इतने में एक सेठ उसके ठेले के पास खड़े होकर राहुल से पूछने लगा, गौतम मोतीचूर लड्डू वाले का ही ठेला है ना? जी, वो मेरे पिताजी है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ दिनों के लिए ठेला मैं ही संभाल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, राम मंदिर में होने वाले महोत्सव के लिए कल 30 किलो लड्डू का ऑर्डर देना है। जी जरूर, आपको कब तक चाहिए लड्डू? लड्डू सुबह 9 बजे से पहले ही चाहिए। ये लो, 2000 रुपए एडवांस देकर जा रहा हूँ। बाकी के पैसे लड्डू के ऑर्डर देने के साथ ही मिल जाएंगे, ठीक है ना? ठीक है। अब राहुल खुशी खुशी एडवांस लेकर अपने घर चला जाता है। घर जाकर अपनी माँ से कहता है, आज बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, कम से कम 7 से 8 हजार का ऑर्डर होगा। उन्होंने एडवांस में 2000 रुपए दिए हैं। ये लो, अपने पास रखो। ठीक है बेटा, लेकिन कितने मोतीचूर के लड्डू बनवाने हैं? माँ, कल राम मंदिर में मुझे 30 किलो लड्डू बनाकर सुबह 9 बजे तक पहुँचाने हैं। बेटे के मुँह से बात सुनकर गौतम बहुत खुश हो गया और मन ही मन गणपति पापा का धन्यवाद कहने लगा। पर उसे डर भी लग रहा था और अपने बेटे से कहने लगा, बेटे ये बहुत बड़ा ऑर्डर है, क्या तुम ऑर्डर पूरा कर पाओगे? बहुत ज्यादा है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। पिताजी, अगर सुबह जल्दी उठकर मैं लड्डू बनाना शुरू कर दूंगा तो 9 बजे तक हो ही जाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इसकी लड्डू बनाने में पूरी पूरी मदद करूंगी। राहुल अगले दिन जल्दी उठ जाता है। वो और उसकी माँ जानकी दोनों मिलकर 30 किलो लड्डू बना लेते हैं। लड्डू जब बन जाते हैं तब सारे लड्डू सही तरीके से पैक करते हैं, उन्हें ऑटो में रख मंदिर लेकर चला जाता है। मंदिर में सेठ और सेठानी वहाँ पर खड़े होकर पंडित जी से कुछ बातें कर रहे थे। ये लीजिए सेठ जी, आपके मोतीचूर के लड्डू का ऑर्डर। ऐसा कहकर राहुल सेठ जी के हाथ में लड्डू का एक पैकेट दे देता है। लड्डू के पैकेट में से लड्डुओं की बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी। अरे वाह, लड्डू की खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। ये लीजिए पंडित जी, पहला भोग भगवान राम को ही चढ़ाइए। पंडित जी भगवान को भोग चढ़ाकर आरती करते हैं। सभी लोग आरती में मग्न हो जाते हैं। थोड़ी देर में पंडित जी सभी को प्रसाद बांटते हैं और उसे खाकर सभी लोग तृप्त हो जाते हैं। राहुल बेटे, ये लो तुम्हारी मिठाई के 7000 रुपए, बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है तुमने। और हाँ, ये रखो और 2000 रुपए हमारी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार। धन्यवाद सेठ जी। राहुल खुशी खुशी घर आता है और घर आते ही ये खुशखबरी अपने माँ और पिताजी को बताता है। वो दोनों भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सभी जोर जोर से बोलने लग जाते हैं, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अब थोड़े ही दिनों में गौतम भी ठीक हो जाता है। ठीक हो जाने के बाद गौतम और राहुल दोनों ने मिलकर अपने ठेले का काम करना शुरू कर दिया। अब दोनों बाप बेटे ने मिलकर सोलापुर गांव में बड़ी मिठाई की दुकान शुरू की और साथ ही साथ एक मंदिर बनाया, जहां उन्होंने बहुत बड़ा गणपति जी का मूर्ति स्थापित किया, जो देखने लोग दूर दूर से आते थे और गणपति जी का जयकारा लगाते।
इसी तरह सभी के हृदय में गणपति जी का वास होने लगा। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमेशा मेहनत करते रहो, तरक्की खुद ब खुद आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।